नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में इस बार बड़े धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके लिए राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में ईद का बाजार सज धज कर तैयार है। आपको बता दें, इस बार पहली बार राजधानी रांची में अंजुमन प्लाजा से डेली मार्केट तक रोड पर सड़क पर दुकानें लगाए गए हैं। ईद के दुकान सज धज कर तैयार है। आप देख सकते हैं किस तरह से दुकानें लगाए गए हैं रोड पर। कोरोना काल के बीच 2 साल के बाद इस बार लोग ईद का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ईद के त्यौहार को लेकर लोग सड़कों पर काफ़ी संख्या में खरीदारी के लिए आ रहे हैं और ईद की खरीदारी कर रहे हैं। इसी बीच अभी हम ईद खरीदारी करने आए ग्राहकों से बात करेंगे कि वो किस तरह से ईद की खरीदारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी उनकी चल रही है ईद को लेकर के। कोरोना के बाद में 2 साल बाद इस बार ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है बड़े अच्छे तरीके से, धूमधाम से दुकानें सजी हुई। आप किस तरीके से तैयारी कर रहे ईद को लेकर के? अच्छा ही है, मतलब पूरा सजा बना हुआ है, खुश हो रहे सब कोई, पूरा पब्लिक भी जमा हो रहे मेन रोड में। बहुत अच्छा से पर्व मनेगा फिर साल, 2 साल तो नहीं मना पाए, तो देखिए इंशाल्लाह फिर तो बहुत लग रहा कि अच्छा होगा। सारी तैयारी आपकी हो गई? हाँ, हो गई है हमारी सारी तैयारी, जो कुछ बचा हुआ है ये सब ले रहे हैं, मेवे सब समय के लिए, बच्चे लोग के लिए कुछ कुछ सामान लेना है और बहुत खुश है। क्या तैयारी कर रहे हैं आप ईद को लेकर? जो मेरे पास अल्लाह पाक दिए बस तैयारी कर रहे। अच्छा, बच्चों के लिए सारी खरीदारी सारे कुछ हो गए हैं, नमाज पढ़ने के लिए, अलग से घूमने के लिए सब, मतलब शॉपिंग हो रहा है। ईद की खरीदारी कर रहे हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं? कुर्ता पजामा लेने आए हैं। पूरी तैयारी हो गई है? हाँ, पूरा हो गई है। अब पूरे ईद के मतलब कि अपने पूरे ड्रेसअप में आए हुए हैं, कल के जैसा लग रहा है, कल की तैयारी पूरी हो चुकी है आपकी, कितने खुश हैं आप ईद को लेकर के? देखिए, इस बार तो स्वाभाविक है कि हिंदुस्तान का देश और दुनिया का हर मुस्लिम इस बार ईद में ज़्यादा फेस्टिवल को खुशी से मनाता होगा, इसलिए कि 2 साल जो हम लोग कोरोना वाला झेले हैं, उस कोरोना से उबर के इस बार हमको लगता है जिस भी कम्युनिटी का फेस्टिवल आया है, ऑल कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, सब लोगों ने अच्छा से सेलिब्रेट किया है। और ईद तो हम लोग का मतलब होता है कि 30 दिन का रोजा के बाद वो तोहफा है हम लोग के लिए, गिफ्ट। असल में गिफ्ट तो हम लोग को कल मिलेगा जब नमाज पढ़ने जाएंगे ईदगाह में, तो और ये तैयारी नहीं तो फास्टिंग का हालत में तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिजर्व रखना पड़ता है हर चीज़ से। 2 साल जो कोरोना काल का जो बीता है उसके बाद से जो इस बार होली से जो मार्केट है तो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है, लोग जम के ख़रीदारी किए हैं होली रामनवमी और अभी ईद का भी कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है और काफ़ी रश है मार्केट में। और हमारे पास बच्चों का पूरा किड्स का आइटम मिलता है, खान सूट है, पठानी सूट है, कुर्ता पजामा है, शेरवानी है, तो लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, पूरा ईद का पूरे शबाब पर है और देख ही रहे आप रश कैसा है। जो डेली रश होता है शाम के बाद से और ज़्यादा, धूप की वजह से कुछ रश कम रहता है सवेरे, लेकिन आफ्टर 4 PM जो है वो काफ़ी रश होता है, जो 12-1 बजे तक का दुकानदारी चलती रहता है। ईद के खास मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, क्या संदेश देना? लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे कि ईद का नमाज पढ़ें, सबसे मिलजुल के रहें, अच्छा से रहें, सब साथ में अड़ोस पड़ोस का भी ध्यान रखें, जो ज़रूरतमंद है उनका भी ख्याल रखें, अपने घर पर भी ईद मनाएँ, जरूरतमंद लोगों का भी ध्यान रखें। सड़कों पर दुकान लगाए दुकानदार सरकार के खिलाफ रोष दिखा रहे हैं, पहली बार दुकान लगाने की अनुमति मिली है, आप लोग सड़क पर दुकान लगाकर बिक्री कर रहे हैं, ग्राहक कैसे आ रहे हैं? नहीं हो रहा है। बिक्री नहीं हो रहा है, खाली बैठे हुए हैं हम लोग हैं। कोरोना काल के 2 साल बाद आप लोगों को इस बार लगा है त्यौहार मना रहे हैं, खरीदारी दुकानदारी सड़क पर आप लोगों को छूट मिली है लगाने के लिए, फिर भी सड़क पर नहीं आ रहे लोग खरीदने के लिए? नहीं आ रहा, गाड़ी से कौन खड़ा होगा यहाँ, पब्लिक ट्रैफिक से कौन खड़ा होगा यहाँ पर पब्लिक? तो आपका कहना है कि जो रोड पे सड़के पे जो गाड़ी चल लगा है दुकान सही, लेकिन रोड जाम नहीं हुआ है इसलिए नहीं कस्टमर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? वहाँ जो जहाँ पर सब बैरियर लगा देता थोड़ा गाड़ी कम हो जाता तो आदमी कस्टमर रुकता है। दोनों साइड में दुकान लगाते थे, ये लेफ्ट साइड में राइट साइड में भी, लेकिन इस बार प्रशासन कहना है कि हम लोगों ने अंजुमन से मशवरा किया है कि वहाँ फिरोज साहब है वो, उन्होंने कहा, उनसे बात हुआ है कि आप एक ही साइड दुकान को लगाएं, तो प्रशासन के कहने के ऊपर हम लोग एक ही साइड में दुकान लगाएं, जो पहले से भी ये साइड में जो दुकान लगी हुई है दोबारा जो फिर वो साइड की दुकान ये साइड में आ गया है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है कि दुकान भी लग गई है, अब गाड़ी भी आ रही है, तो इससे क्या है कि लोग तो आ रहे हैं लेकिन भीड़ आगे बढ़ता चला जा रहा है, बिक्री नहीं हो पा रहा हम लोगों का,
लोग रुक नहीं रहे, बिक नहीं रहा। ईद हम लोग का तो ऐसे भी मतलब लग रही नहीं रहा, ऐसे अच्छा दुकान लगने ही नहीं दिया जाता। प्रशासन के इस कार्य, ये प्रशासन कोई हम लोग को कोई सहूलत नहीं दिया और परेशानी कर दिया। इससे अच्छा हम लोग बोलते लगाओ ही मत, दुकान लगा करके इतना सारा लाखों लाख का माल लेकर के हम लोग पड़े हुए, देखिए माल किस तरह का हमारे दुकान में रखा हुआ देख लीजिए, सही से खोल के लगा भी नहीं पा रहे हैं, है ना। सरकार से रोष है, प्रशासन से रोष है आपको? हाँ, प्रशासन हमको पूरा एकदम उससे मतलब ये तकलीफ है कि प्रशासन हम लोग के लिए कोई किसी किस्म का मतलब सहूलत नहीं दे रही है, और एक तरफ दुकान लगाने के बावजूद गाड़ी का लाइन को भी खोल दे रहे हैं, भीड़ भी आ रहे हैं, लोग गुजरते चले जा रहे हैं, लोग रुक नहीं रहे कि यहाँ पर सामान लें।